नमस्कार फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस विद अस में। और आज हम यूपीएससी के आपके जो आपके फॉर्म आने वाले हैं उससे पहले आप अप्लाई करें ये वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे आपके हर डाउट के बारे में और उसको क्लियर कैसे करें और आपको क्या करना है आपके यूपीएससी को आपके फॉर्म भरने से आपका एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देने, वहाँ से काउंसलिंग कराने और वहाँ से फिर आपका एडमिशन लेने, सारी प्रोसेस हम इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। आप हमारे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं, हमने प्रीवियस वीडियोस 2018 में भी अपलोड किए थे। तो अभी हम ये ऑफिशियल वेबसाइट हमारे पास ओपन है, आप कहीं भी नहीं जाइएगा, आप केवल इस यूट्यूब चैनल और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर ही विजिट कीजिए और जैसे जैसे बताया जाता है आपको वैसे वैसे ही करना है। क्योंकि जो ट्वेल्थ के बाद आते हैं या जो यूपीएससी में फिल करते हैं डिप्लोमा होल्डर्स, जो लेटरल एंट्री के लिए फिल करते हैं, खासकर मैं उन लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं क्योंकि मैंने देखा है कि उन लोगों का कहीं भी सोर्स नहीं है, तो उन लोगों के लिए खासकर वीडियो रहेगा और हमेशा खासकर उन्हीं लोगों के लिए रहेगा और बाद में दोनों का ही होगा, ये एक भी समझ सकते हैं आप। अब यहाँ पर देखिए आपके जो आपके फॉर्म शुरू होने वाले हैं यहाँ पे आपका शेड्यूल दे रही है। इससे पहले थोड़ा सा ये कंटेंट लिखा हुआ है ये इसके बारे में बता देता हूँ, जो 2018 में आपका हुआ था उसका ये थोड़ा सा कंटेंट है, ठीक है। अभी जो यूपीएससी 2019 आपका शेड्यूल तैयार कर रही है, यूपीएससी 2019, इसमें क्या हो सकता है, हो सकता है थोड़ा सा आपका जो शेड्यूल है थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके आपको दिया जाए। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो 2018 में जो हुआ था उसमें आपको फीस वापसी नहीं थी। 2018 में आपके जो 12,000 या आपके 20,000 रुपए काउंसलिंग की जो फीस लग रही थी वो आपकी रिटर्न नहीं हो पाई थी। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमसे ये सवाल पूछा कि क्या करें इसके लिए, जबकि चूंकि ये नोटिस में दिए दिया गया था कि इस बार जो आपके 20,000 या 12,500 रुपीज़ जो है वो रिटर्न नहीं होगी, जबकि 2018 से पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में कराते हैं आपका नहीं होता है तो सेकंड में काउंसलिंग में कराते हैं तो भी नहीं होता है, तो हर काउंसलिंग के हिसाब से आपके 2,000 रुपये काट कर आपको फ़ीस वापस रिटर्न कर दी जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं किया गया है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को परेशानी उठानी पड़ी है। तो आई होप आप सारे वीडियोज़ को क्लियर से देखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए इवेंट्स मीन्स आपका शेड्यूल दे दिया गया है, आपका जो लिंक है आपका फॉर्म सबमिट करने का या फॉर्म अप्लाई करने का जनवरी 2019 को 23 तारीख को आपका ओपन हो जाएगा और ये 4:14 यानी कि 2 बजे आपका ये स्टार्ट होगा। लास्ट डेट इसकी रहेगी आपकी 15 मार्च 2019, तो यानी फरवरी आपके पास पूरी होगी और जनवरी से यानी कि आपके इधर 8 दिन होंगे और उधर आपके 15 दिन, लगभग आपके पास 1.5 महीना होगा फॉर्म को अप्लाई करने का। फॉर्म को अप्लाई करने के आप देखिए पोर्टल टू बी सबमिटेड यानी कि फीस काटने के बाद करेक्शन करने के बाद आपका जो टोटल है वो आपके अप्रैल 3 तक आपका जो है पूरा पूरा सबमिट हो जाना चाहिए फॉर्म, क्योंकि अगर कभी कभी क्या होता है मैन बहुत सारे यूज़र्स आ जाते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है फॉर्म भरने में तो थोड़ी सी डेट अब बढ़ा दी जाती है, और जो भी कैंडिडेट होते हैं उन्हें अगर उन्हें प्रॉब्लम आ रही है फीस सबमिट करने में या चालान पे करने में तब भी थोड़ा सा डेट बढ़ा दी जाती है। जो आपकी एडमिट कार्ड है एडमिट कार्ड भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे 15 अप्रैल से और एग्ज़ामिनेशन डेट भी आपकी लगभग अप्रैल में ही है। देखिए आप अप्रैल में जो एग्ज़ामिनेशन है वो होगा आपका 21 अप्रैल 2019, यानी कि आपको तैयारी करने का बिल्कुल भी मौका नहीं है। और मैं लेटरल एंट्री वालों के लिए बता दूंगा कि उनका सिलेबस क्या है, वो क्या पढ़े, इंजीनियर सीएसए के हैं या आपके इलेक्ट्रिकल के हैं या आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं सिविल के हैं, जो भी तैयारी करना चाहते हैं हमारे इस चैनल पे आके विजिट कर सकते हैं, सबका मैं सिलेबस इस पर डाल दूंगा। और जो कैंडिडेट CITS की भी तैयारी करेंगे यानी CTI, जैसे जो कैंडिडेट डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं या BTech होल्डर्स होते हैं या ITI होल्डर्स होते हैं तो वो CTI की तैयारी करते हैं। CTI में 1 साल का कोर्स होता है जिसके बाद आप ITI के टीचर्स बन जाते हैं, तो उसके लिए आप इसमें इस चैनल पे हम वीडियोस डालते रहते हैं, आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और हर आने वाले वीडियोज़ का लाभ उठाइए, आपको बिल्कुल फ्री रहेगा। आगे देखिए आपका रिजल्ट ऑफ डिक्लेयरिंग जो रिज़ल्ट है वो आपका मई के लास्ट में करी जाएगी और काउंसलिंग जो है 10
जून 2019 से जुलाई 2015 तक कंप्लीट कर ली जाएगी, इन्होंने इतना बता दिया। क्योंकि पहले क्या हुआ था, काउंसलिंग में थोड़ा सा डिले हो गया था, क्योंकि पहले हमारा जो डिप्लोमा होल्डर्स थे, जो लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहते थे, उनका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ था, तो इसलिए उनको थोड़ा सा काउंसलिंग को डिले करना पड़ा था। अब स्पोर्ट काउंसलिंग जो होगी जुलाई के लास्ट वीक में होगी, ये आपका दे रखा है जुलाई के लास्ट वीक में आपकी स्पोर्ट काउंसलिंग होगी। तो स्पोर्ट काउंसलिंग कैसे करना है और कब होगी और क्या क्या इसके शेड्यूल रहेंगे, ये आप मेरे पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं, और आने वाले वीडियोस में आपको बताता भी रहूँगा कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं और कैसे कैसे आपको करना है। आई होप ये वीडियोज़ आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक कीजिएगा और जो भी आपके एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी 2019 के, उनको शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे आपके जितने भी नोटिस वगैरह आएंगे वो इसी वेबसाइट पे आएंगे, तो इस वेबसाइट को आप सीधे से गूगल पे सर्च करते हैं upsee.nic.in, upsee.nic.in से करेंगे तब भी आपको ये आ जाएगा, और इसी पे आपका सारा कंटेंट मिलेगा, इसी पे आपको लिंक भी मिलेगा, इसी पे आपको काउंसलिंग का लिंक मिलेगा, और इसी पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियोस को और शेयर कीजिएगा अपने सारे यूपीएससी 2019 के एस्पिरेंट्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शेयर कर लीजिएगा हमारा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को।